नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डीपली कवर करेंगे श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में जो फर्स्ट टेस्ट मैच खेला जाएगा उसके बारे में। ये एक इम्पोर्टेंट मैच है क्योंकि यहाँ पर श्रीलंका के काफ़ी बड़े प्लेयर्स जो हैं वो मिस करेंगे इस मैच को, और आपके लिए फाइव टीम्स लेकर आए हैं। वन बाय वन सभी का प्रिव्यू कवर करेंगे ताकि उस बेस पर आप अच्छी टीम्स बना पाएंगे। वहीं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, जैसे दिनेश चांडीमल, एंजेलो मैथ्यूज, दिलहुरु परेरा, रोशन सिल्वा, नुवान प्रदीप, लिहुरु कुमारा, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इस सीरीज में नहीं है। तो इनके अनुपस्थिति में आपके लिए एक डिफरेंट मैच हो सकता है और यहाँ पर आप आसानी से अच्छा विन कर सकते हो। तो एक अपॉर्चुनिटी है इस मैच में, और यही कहना चाहेंगे कि फाइव टीम्स के थ्रू हम पूरा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वो सभी लोग जो वीडियोज़ को लाइक और कमेंट करते हैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप न्यू हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट टेस्ट मैच है जो कि डरबन में खेला जाएगा। यहाँ पर बॉलर्स को मदद मिलती है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स को, और एक इम्पोर्टेंट मैच रहने वाला है। श्रीलंका यहाँ पर इस पिच पर ऑलरेडी एक बार मैच जीत चुकी है, एक टेस्ट, और साउथ अफ्रीका ने अभी तक हेड टू हेड में कोई मैच नहीं जीता, एक ड्रॉ रहा है। ये बड़े प्लेयर ऑलरेडी बता दिया आपको कि ये नहीं खेलने वाले हैं, तो इनको आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब प्रोबेबल 11 क्या रहेगा इनका, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं हैं तो उनका पुराना रिकॉर्ड भी नहीं है, और न्यू प्लेयर्स जो हैं उनका रिकॉर्ड बहुत कम है। करुणा रत्ने जो कि कैप्टनसी करेंगे, एक अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और काफ़ी समय से ओपनिंग करते आ रहे हैं, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो। अच्छे प्लेयर लिहुरु थिरीमाने एक एक्सपीरियंस प्लेयर है अगेन, और अच्छा खेलते हैं। कुशल मेंडिस एक अच्छे प्लेयर हैं, टेस्ट प्लेयर हैं। कुशल परेरा थोड़ा डेंजरस प्लेयर है, T20 और ODI के प्लेयर हैं, थोड़ा तेज खेलते हैं लेकिन अच्छे हो सकते हैं। यहाँ पर श्रीवर्धना या फिर एंजेलो परेरा में से कोई एक खेलेंगे, तो दोनों में से ज़्यादा चांसेस इनके ही लग रहे हैं 60%, बट देखना होगा टीम इनके साथ में जाएगी या इनके साथ में जाएगी। आपके लिए धनंजय डी सिल्वा एक अच्छे ऑलराउंडर हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं, तो आप अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। निरोशन डिकवेला काफ़ी तेज रन बनाते हैं और टेस्ट में भी थोड़े बहुत इंजॉयमेंट करवा देते हैं आपको उनकी तेज बल्लेबाजी से। आपने अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उनके टेस्ट सीरीज में देखा हो, काफ़ी अच्छा खेलते हैं। सुरंगा लकमालिक उनके मेन बॉलर रहेंगे, संदकन स्पिन बॉलिंग करेंगे, वहीं रंजीता भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और फर्नांडो थोड़ा रिस्की है तो ये एक प्लेस रिस्की रहने वाला। ओवरऑल इस टीम में से आपके लिए बैटिंग में तीन कंफर्म हैं, सेफ है, और यहाँ पर धनंजय डी सिल्वा अच्छे हैं, डिकवेला अच्छे हैं, आप चाहो तो लकमल अच्छे हैं, रंजीता अच्छे हैं, तो इनको आप डायरेक्टली ट्राई कर सकते हो, बाकी संदकन को भी ट्राई कर सकते हो। तो ये आपके लिए सेफ प्लेयर्स हैं, इनमें से आप चूज कर लीजिएगा। स्पेशली कोशिश करेगा कि ये जो तीन प्लेयर हैं इनमें से कोई भी दो या एक अगर आपको श्रीलंका से बैटिंग में से लेने हैं, बाकी कुशल परेरा एक बोनस प्लेयर है, और बॉलिंग में आपके लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों में से कोई भी दो या फिर एक आप ट्राई कर सकते हो। एक्स्ट्रा ऑप्शन में संदकन के साथ में आप जा सकते हो। अब अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की तरफ से डीन एल्गर जो कि एक अच्छे प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और रेगुलरली टेस्ट खेलते हैं, तो उस बेस पर आप समझ सकते हो कि ये टेस्ट में अच्छा करने वाले हैं डेफिनेटली। माकरन भी अच्छे प्लेयर हैं और ये भी आपके लिए टेस्ट में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एल्गर बेटर हैं। हाशिम अमला बहुत शानदार प्लेयर हैं, फाफडू प्लेसिस बहुत बड़े प्लेयर हैं, और जिसके बाद में यहाँ पर ब्रुएन थोड़ा सा रिस्की है, यहाँ पर आर लिखा हुआ इसका मीनिंग रिस्की है, तो इनको आप रिस्की मान सकते हो। बाकी बबूमा एक अच्छे प्लेयर हैं जो रेगुलरली थोड़ा बहुत स्कोर करते रहते हैं, स्पेशली टेस्ट में। क्विंटन डी कॉक नीचे आते हैं टेस्ट में और अच्छा कर लेते हैं, अच्छी पार्टनरशिप्स कर लेते हैं। वहीं केशव महाराज या फिर फिलेंडर में कोई एक खेलेगा, थोड़ा सा रिस्की है। केशव महाराज यहाँ पर भी आ सकते हैं, तो वो टीम पर डिपेंड करेगा किसकी जगह केशव महाराज को टीम लाएगी। बाकी रबादा स्टेन और ओलिवर रेगुलर बॉलिंग करते हैं टेस्ट में। अब अगर इनकी टीम से 11 प्लेयर में से अगर आप बेस्ट को समझेंगे, तो एल्गर, आमला, फाफडू प्लेसिस और मकरन, ये चार प्लेयर हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन चार में से कौन से तीन लेने हैं आप। हो सकता है कि मिडिल ऑर्डर में से इन दोनों को आप चूज़ कर लें, और यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक को आप ले लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वहीं बॉलिंग में आपके पास में रबादा, स्टेन और ओलिवर है, इनमें से कोई दो या फिर आप पूरे के तीन चूज़ कर सकते हो। रिस्क लेना हो तो केशव महाराज और फिलेंडर को भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये अच्छे प्लेयर्स हैं आप लोगों के लिए और काफ़ी वैल्यूबल्स रहने वाले हैं। अब अगर अभी तक आप टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो सकते हैं, एक बहुत अच्छा प्लेस है जहाँ से आप कनेक्टेड रहेंगे हमसे, और कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम में जुड़ने के लिए D11FL या @D11FL इन दोनों में से कुछ भी सर्च करना होगा। उसके बाद में आपको इस प्रकार का चैनल नेम दिखा देगा, ड्रीम इलेवन फैंटेसी लीग फैमिली, तो आप हमारे परिवार से जुड़ जाइए अभी।
उसके बाद में अगर आपने बल्लेबाजी नाम से एक फैंटेसी साइड है बहुत शानदार है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो ज्वाइन कर लें आप। वहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग की जो यूनिक लीग है वो आपको बहुत अच्छा विन करवा सकती है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और याद रखिएगा टेलीग्राम के अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर भी ज़रूर जुड़ जाएँ। चलिए अब ड्रीम इलेवन के हमें यहाँ पर 5 टीम्स कवर करनी है। ऑलरेडी हमने बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड का वीडियो बना दिया, तो वो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट से। यहाँ पर अगर हम बात करें 5 टीम्स से, तो उससे पहले आपको बल्लेबाजी के बारे में बता देते हैं। अगर यहाँ पर आप मैच खेलने जाएंगे तो आपको फ्री लीग्स भी मिलेगी, आप 1,000 रुपये तक की लीग आपके लिए, जहाँ पर विनर्स भी अच्छे हैं और आप 0 रुपये, 0 इन्वेस्टमेंट में आप वहाँ पर ज्वाइन कर पाओगे। बाकी अगर हम इस मैच की बात करें तो यहाँ पर बड़ी ग्रैंड लीग भी है आपके पास में, और बैटिंग और बॉलिंग में आप अपनी खुद की टीम बनाकर हेड टू हेड और मल्टीपल लीग्स में ज्वाइन कर सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। तो एक अच्छी फैंटेसी साइड है, इसे आप ज्वाइन कर लें। इसके अलावा काफ़ी अच्छे ऑफर्स रहते हैं यहाँ पर, मोर पर अगर आप जाएंगे तो आपको ऑफ़र्स दिखाई देंगे प्रमोशंस में, और उन ऑफ़र्स का भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए अब ड्रीम इलेवन की तरफ चलते हैं। ड्रीम इलेवन में यहाँ पर 5 टीम्स क्रिएटेड है, लेकिन प्लेयर बाय प्लेयर समझ लेते हैं। विकेट कीपर में हमारे पास में क्विंटन डीकॉक और डिकवेला है, दोनों ही मिडिल ऑर्डर में आएंगे, थोड़ा नीचे आते हैं, और दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं, क्वालिटी प्लेयर हैं। बट क्योंकि साउथ अफ्रीका में मैच हो रहा है, तो ऑब्वियसली डीकॉक को थोड़ा सा मदद मिलेगी और वहाँ पर वो पॉजिटिव फील करेंगे। वहीं डिकवेला भी अच्छे प्लेयर हैं और नेचुरली काफ़ी इंजॉय करते हैं बैटिंग को, तो ये भी अच्छे हो सकते हैं। तो दोनों को ट्राई कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्रेट मैनेज करना हो तो डिकवेला को, अदरवाइज डीकॉक भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अब बात करते हैं बैटिंग की। बैटिंग में हाशिम आमला, फाफडू प्लेसिस हो गए आपके पास में, माकरम और एल्गर, ये 4 बड़े प्लेयर हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से। आप चाहो तो चारों को ट्राई कर सकते हो अगर आपको लगता है कि इनकी बैटिंग डोमिनेट करेगी। इनमें से ड्रॉप करना है तो मकरन और एल्गर में से किसी एक को ड्रॉप करके आप यहाँ पर कुशल मेंडिस को ट्राई कर सकते हो, करुणा रत्ने को ट्राई कर सकते हो। तो श्रीलंका की तरफ से भी आपके पास में प्लेयर्स हैं, आप चाहो तो ये दोनों ट्राई रख सकते हो। अगर आपको लगता है करुणा रत्ने जल्दी आउट हो जाएंगे तो आप 3 माने को ट्राई कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। तो ये अलग अलग चॉइस है, जैसे अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने ये 3 बैट्समैन इधर से लिए और 3 इधर से लिए। उसके अलावा आपके पास ऑलराउंडर में फिलेंडर हैं, डी सिल्वा जो सेफ है, और बाकी जो हैं ये सब रिस्क के लग रहे हैं। बॉलिंग की बात करें तो रबादा, लकमल, रंजीता, संदकन और यहाँ पर केशव महाराज रिस्की हैं, ओलिवर सेफ, स्टेन सेफ, हो सकता है ओलिवर की जगह भी केशव महाराज को खिला ले, लेकिन चांसेस कम लग रहे हैं, बाकी ये सभी लोग रिस्की हैं। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि जो सेफ प्लेयर्स हैं उनको आप डायरेक्टली ट्राई कर सकते हो जो आपके लिए अच्छा हो सकते हैं। और यहाँ पर बैटिंग में और भी हैं आपके पास में, कुशल परेरा है और ब्रुयन थोड़ा सा रिस्की, बहुम अच्छे हैं, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करें, यहाँ पर एक प्लेयर हमको चूज़ करना है तो ऑलराउंडर्स चूज़ कर लेते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टनसी में ऑब्वियसली ये 3 बड़े प्लेयर हैं, इनमें से कोई भी किसी को भी आप कैप्टनसी दे सकते हैं, वाइस कैप्टनसी यहाँ से या फिर आप बॉलिंग से ट्राई कर सकते हो। सो अब जो डेमो टीम्स यहाँ पर ऑलरेडी बनी है उन्हें हम देख लेते हैं। पहली टीम जो है उसमें फाफडू प्लेसिस और कुशल मेंडिस को ट्राई किया, दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और काफ़ी बड़े प्लेयर हैं, इनको हमने ट्राई किया है। आपके पास में ऑप्शन है कि आप ऐसे प्लेयर्स को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं या फिर आप कुछ और भी चेंजेस कर सकते हैं। दूसरी टीम में हमने ट्राई किया एल्गर और करुणा रत्ने को, तो ये भी अच्छे प्लेयर हैं, क्वालिटी प्लेयर हैं दोनों। उसके अलावा हमने ट्राई किया यहाँ पर हाशिम आमला और स्टेन को, ये कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हो, बदल सकते हो आप। फिर हमने माकरन और 3 माने को ट्राई किया, जिनको कम लोग लेंगे, दोनों ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन है, तो उनको आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ रिस्क लेके फिलेंडर को लिए, अगर आपको लगता हो तो आप ड्रॉप कर सकते हो। और यहाँ पर फिर हमने ट्राई किया रबादा और डिकवेला को, तो कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। इस प्रकार की आप टीम बना सकते हो और खुद के तरीके से कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव कर सकते हो। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा और ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा बल्लेबाजी को। अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। ये मैच अगर आप खेलने वाले हैं तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।